साहब इजाजत हो तो मैं आपकी पढ़ाई में मुखलों की चंद बातें आपसे पूछूं। हां जी, खुशी से। आपने माशाल्लाह अब तक इस कदर किताबें लिखी, तर्जुमा किए और तरतीब दी हैं कि इस पेशबहा खजीने में हम जैसे कम माया लोगों को तो बहुत कम ये याद है कि आपने सबसे पहले कौन सी किताब लिखी थी। तो जरा बराए करम ये बताइए कि आपकी सबसे पहली किताब कौन सी शाया हुई। सबसे पहली किताब मिर्जा गालिब के सवाने हैं, जो सिर्फ जिसका नाम गालिब था, वो 1936 में शाया हुई थी। तो ये गालिब पर सबसे पहले किताब लिखने का ख्याल आपको कैसे आया? उसके असबाब खास थे, इसलिए कि वो 1934 में बीमार हो गया आशोब चश्म से। जी, आशोब चश्म की वजह से ये होता था कि मसलन अब आशोब हुआ, 2-4-10 दिन के बाद आराम हो गया, फिर 4 दिन आराम से गुजर गए, फिर उसके बाद दफतन आशोब हो गया। जी, इस तरह 2 साल मेरे पहाड़ पर बसर हुए, 1934 और 1935। जी, उस वक्त मेरे पास कोई किताब ऐसी नहीं थी ठोस जिसको हम मुताला कर सकता। मिर्जा गालिब की किताबें फारसी और उर्दू की थी। जी, वो पढ़ता रहा, जब मुझे कुछ इफाका होता था वो शुरू कर देता था और उसमें जा बजा निशान लगाता जाता था। पूरी किताबें पढ़ चुकने के बाद मेरे दिल पर पहली मरतबा यह असर हुआ कि मिर्जा गालिब ने अपने हालात जितने किताबों में अपनी लिख दिए हैं उससे ज़्यादा किसी के लिए कुछ मुहैया करना मुमकिन नहीं। वही हालात मैंने लिए और कुछ पस मंज़र, कुछ पेश मंज़र, कुछ तफसीलात मुरतब करके वो किताब इस तरह। तो ये तहकीक का मादा आपके जहन में क्या विरसे में ही मिला है आपको? ये कह नहीं सकता, लेकिन हर हाल में जिस वक्त से मैंने पढ़ना लिखना शुरू किया कोशिश यही थी कि हर चीज़ जो है उसकी कोई ना कोई हकीकी हैसियत दरियाफ्त करके मौकम बुनियादों पर लिखा जाए, सरसरी तौर पर कोई चीज़ ना लिखी। नहीं तो ये आदत आपके अंदर माहौल की मुताबिकत से पैदा हुई कि ये आपकी? मैं नहीं कह सकता किस तरह पैदा हुई। मेरे अपना पस मंजर कोई ऐसा इल्मी मीरास जिसको मैं कह सकूँ नहीं था। मेरे वालिद पढ़े लिखे भी नहीं थे, छोटे से गांव में रहते थे जो ज्यादातर शहर से 5 मील के फासले पर था। लेकिन एक चीज बिल्कुल पक्की है कि बावजूद अनपढ़ होने के इब्तदा से उन्हें बेहद ख्याल था कि मुझे आला से आला तालीम दिलाई जाए। उनके पास वसायल अच्छे थे, अल्लाह की रहमत थी, इसलिए वो इस पर इसरार करते रहे कि जो कुछ भी हो सके मेरे लिए मुहैया किया जाए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं 7वीं जमात में पढ़ता था और मेरी उम्र उस वक्त 11 साल कुछ महीने की थी जब दफतन उनका इंतकाल हो गया, और उसके बाद उनका कोई अजीज और कोई भाई नहीं था, कोई बहन नहीं थी। तो मेरी वालदा और मेरे मामू को भी उन्होंने अपने बिस्तरे मर्ग पर वसीयत की तो सिर्फ एक कि मेरे इस बच्चे को पढ़ाना। हालांकि मुझसे छोटी 2 बहनें थी और 1 भाई था, उनके लिए कोई वसीयत उन्होंने नहीं की। वही वसीयत उनकी मेरी तालीम के मुतल्लिक मेरे आयजा के लिए, खुसूसन मेरी वालदा और मेरे मामू जान के लिए एक अहम फरीजा बन गई और उसी की वजह से मैं पढ़ गया। तो ये आपके वालिद साहब को आपसे इलाके खास क्या आपकी जहानत की बिना पे था? नहीं, उस वक्त मेरी जहानत यकीनन मैं शुरू में अच्छा खासा ज़हीन था, अब तो वैसा शायद नहीं, ज़हीन भी नहीं हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि खुदा जाने किस तरह उनके दिल पर यह असर था कि मुझे इस बच्चे को बहुत ज्यादा पढ़ाना चाहिए। हत्ता कि वो तो कहते थे कि तुम 10वीं या BA कर लो तो मैं तुमको वलायत भेजूंगा, लेकिन वो को बेचारे उस वक्त डेथ हो गई कि मैं। अच्छा, आपने अपने बीए करने का तस्करा किया तो आपने बताया था कि आपने 1915 में बीए पास किया था, बिल्कुल, और उसके बाद 1922 में आपने जिम्मेदार में शमूलियत की। हाँ, दरमियानी चीज जो है उसमें मुतजब्जब का दौर है जिसमें मैं 7 साल आप ये क्या करते रहे? 1915 करता हूँ ना कि वो तजब्जब का दौर है जिसमें कि आया मैं ये चीज़ शुरू करूं या ना करूं, आया इसके लिए गुंजाइश है या नहीं है, और मुलाजमत भी करनी चाहिए, मुलाजमत अंग्रेज़ों के माता इतनी की जा सकती, लिहाजा किसी इस्लामी रियासत में जाकर मुलाजमत करना बेहतर होगा। चनांचे इस तरह मैं हैदराबाद पहुंचा और वहाँ हैदराबाद के माता एक रियासत जिसको वकारुल उमरा की पाएगा कहते हैं, 4 साल के करीब वहाँ मुलाजिम रहा। वहाँ से वापस आया तो फिर ये अखबार में बीसी शुरू। और अखबार जिम्मेदार के बाद आपने इनकलाब अपना पर्चा जारी किया अप्रैल 1927 में। जी, 1949 तक आप? हाँ, 1949 अक्टूबर 1949 तक अखबार नवीसी में रहा। अच्छा, ये तारीख और सीरत नवीसी खास तौर से आपका मजमून है और मेरा ख्याल है महबूब तरीन मजमून है दोनों के दोनों, तो इसकी तरफ आपकी तवज्जो खुसूसन इस तरह कि तारीख में बेशुमार ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो इंसानों के लिए अच्छे गाइड का, अच्छे रहनुमा का, अच्छी हैसियत का, अच्छी परवरिश का बंदोबस्त कर सकती है।
मुझे शुरू से इससे दिलचस्पी थी और सीरत की शक्ल में तारीख को पेश करना हकीकत यह है कि जैसे कि जानदार एक शख्सियत है, ये एक वजूद है जिसको आप पेश कर रहे हैं, अगर वो सीरत की शक्ल में ना आए तो उसकी हैसियत हकीकत में बेजान बुत की होती है। मेरा अपना शुरू से अकीदा यही था कि अगर कोई दावत फैलानी है, अगर कोई तालीम दुनिया में आम करनी है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके पर पेश करने की यही सूरत है कि बड़े अच्छे रंग में सीरत की शक्ल में पेश किया जाए। यानी आपका मतलब यह है कि तारीख और सीरत में एक रिश्ते बाहिमी भी है। कतई तौर पर, इसलिए कि अगर तारीख बगैर सीरत के है तो बेजान है, अगर तारीख सीरत के साथ आती है तो जानदार होगी, बेहतर से बेहतर मसाले आप उसके जरिए से पेश कर सकेंगे जो दिलों में उतरेंगी और रूह अमल पैदा करेगी। अगर ये ना हो तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप तो तारीख के माहिर हैं। कहा जाता है कि हमारी तारीख, खुसूसन बरसगीर की तारीख को अंग्रेज़ों ने बहुत गलत सलत तरीके पे पेश किया है, तो उसकी तसी और उसके तमाम लवाजमात को ठीक करने के मामले में आपका क्या ख्याल? मैं कहता हूँ ज़रूर होनी चाहिए और बड़े आला पैमाने पर उसका इंतज़ाम होना चाहिए, लेकिन अफसोस कि इस वक्त तक उसके लिए कोई इंतजाम नहीं हो सका। लेकिन नब्बाज तो आप हैं। ना, नब्बाज तो मैं हूँ, लेकिन मेरी नब्बाजी किस काम आ सकती है अगर उसके लिए वसाइल मुहैया ना हो। आपने मसलन जिस तरह सैयद अहमद शहीद पर काम किया, 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है आपकी किताब, आपने उनकी सीरत और उनकी तहरीक पर यह मुकम्मल और जामे किताब लिखी है। देखिए खूबसूरत में ये तो हर हाल में आपको मानना पड़ेगा कि मैंने 14 साल सर्फ किए सैयद अहमद शहीद की सीरत के लिए मसाला फराहम करने में, और उसके बाद 2-2.5 साल में वो किताब 4 जिल्दों में लिखी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एक ऐसी तहरीक जिसके मतलब हर किस्म की गलत फहमियाँ अपनों में और बेगानों में फैली हुई थी, वो सारी की सारी उसके ज़रिए से ज़ाहिल हो गई। मैं अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करता हूँ कि इस खिदमत के लिए, जो बहुत ही बड़े आदमियों का काम था, मुझ नाचीज़ को इतना मौका मिला कि मैं उसको पूरा कर सकूँ। अब ये आपके सामने है कि वो पूरी मूवमेंट, पूरी तहरीक जो है उसकी सरगुजश्त इब्तिदा से लेकर, यानी बानी शख्सियत से लेकर उसके आखिर तक था 1947 तक मुरतब हो चुकी है। एक तरह से सवाल इस सिम में है कि ये आखिर आपको तरगीब कैसे हुई है सैयद अहमद शहीद की तहरीक? सिर्फ इसलिए कि मैंने इब्तिदा में उनका नाम सुना था और उनको मुजाहिद पाया। मुजाहिद पाने के बाद मुझे ये बताया गया कि ये अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद शुरू करना चाहते थे, बस इस एक चीज को लेकर वो मेरे महबूब बन गए और अपनी पूरे 14 साल उनकी सीरत के मुख्तलिफ वसाइल जो थे, मुख्तलिफ माखज, मुख्तलिफ किताबें जहां जहां से मिल सकें वो सारी इकट्ठी करके पढ़ी और उसके बाद एक मुरतब सिलसिला शुरू किया। और अब ये है कि वो सीरत पूरी की पूरी मुरतब हो चुकी है। इस तरह मुकम्मल सीरत गालबन आपको किसी तहरीक की नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर ये है कि उसमें इतने वलवला अफरोज वाकयात हैं ईसार और कुर्बानी के, जिनकी हमारी कौम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो भी उसमें आ गए। और तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि वो तहरीक असलन मज़हबी थी जी, उसके असास बुनियाद जो थी वो मज़हब थी जी। अच्छा, 1857 की इनकलाबी जद्दोजहद के बारे में भी आपने मुकम्मल किताब लिखी है। उसके बाद उसकी भी यही वजह है कि मैं उन शख्सियतों के जरिए से ईसारों कुर्बानी और कौम के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा पैदा करना चाहता था अपनी कौम में, और मैं समझता हूँ उसके जरिए से कोई, उसके सिवा कोई जरिया बेहतर नहीं था। अच्छा मीर साहब, आपको दौरान तहकीक को बहुत सी मशाहिर और बाइरिन शख्सियतों से मिलने का इत्तेफाक हुआ होगा, उनमें से चंद एक का तस्करा अगर आप? हाँ देखिए, उसमें मैं तो उन नाचीज हस्तियों में से हूँ जो अपने बिल्कुल इब्तदाई उस्ताद जिन्होंने मुझे शायरी सिखाई, या मैंने उनसे उनकी सोबत में शायरी सीखी और दीवाने गालिब के चंद औरात पढ़े। आपका सवाल, मैं आपकी गुफ्तगू काट रही हूँ, ये आपने शायरी का तस्करा किया तो ये बताइए कि मेहर तखल्लुस है आपका? जी मेहर तखल्लुस है, मैं शेर भी कहता हूँ, अब भी मेरे पास अच्छा खासा जखीरा है, लेकिन ये मौका नहीं है शेर गोई का, ये नसर गोई का मौका है। आपने खुद ही मुझे नुकता फराहम किया। वो मौलाना हकीम मोहम्मद सलीम मेरे पहले उस्ताद थे, वो भी मुझे याद हैं, और जो कुछ उनसे सीखा वो भी अब तक याद है, उनके लिए दुआ करता हूँ। फिर दीनी मामलात में मौलाना अब्दुस्सलाम मरहूम हैदराबादी, वो मेरे उस्ताद थे, वो मेरे अकायद से बहुत ही ज़्यादा मुतासर हुए और दीनी ज़ौक से
तो इसलिए वो सारा सारी रात सारा दिन पढ़ते रहते थे। जब उनको मौका मिलता था वो लाकर मुझे वो सारी चीज़ें सिखाते थे, वो भी मुझे याद हैं। लेकिन यहाँ कॉलेज में पहुँचा तो मौलाना असगर अली रूही मरहूम, यहाँ बड़े मशहूर प्रोफेसर थे, मैं अरबी का तालिब इल्म नहीं था कि उनसे अरबी पढ़ता, लेकिन उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और उनके लिए भी मैं रात दिन दुआ करता हूँ। लेकिन जिन दो शख्सियतों से मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ और उनकी सोबत से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, वो अव्वल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दुम अल्लामा इकबाल। दोनों की सोबत में मुझे अल्लाह की रहमत से ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिला। उनके साथ ताल्लुकात 1914 से थे और वक्तन फ़क्तन मिलता रहा। 1914 से किसके साथ ताल्लुकात थे? मौलाना आज़ाद के साथ, इसलिए कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था उस ज़माने से उनके साथ ताल्लुक। डॉक्टर इकबाल के साथ तो यहाँ आप जानते हैं कि मैं 15-16 साल उनकी सोबत में रहा, रात दिन सोबत में रहता था, और मेरे पास अब तक उनकी डायरी भी लिखी हुई मौजूद है। यानी अल्लामा इकबाल की खुद नविश्त डायरी? खुद नविश्त नहीं, बल्कि जो कुछ मैं सुनता था उनसे उस जमाने में वो जाके अपने लिख लेता था डायरी। तो वो तो बेबहा खजीना है, उसको हाँ, कब तक वो अल्लाह की रहमत से वो मुरतब हो जाए, तो जब है बेबहा खजीना मुरतब हो जाना चाहिए, कर रहा हूँ कोशिश उसके लिए। तो आपने देखिए ये दो शख्सियतें, माफ कीजिए, वैसे तो आपकी दोनों शख्सियतें हीरो हैं, मौलाना आज़ाद और अल्लामा इकबाल, लेकिन ख्यालात के लिहाज से दोनों मुख्तलिफ और तबाह शख्सियत। मेरे ख्याल में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, सियासी एतबार से कभी एक शख्स कुछ कहता है, दूसरा कहता है, तीसरा कहता है, उनमें से कोई शख्स भी ले ले वो चला ले, मुझे उससे कोई बहस नहीं है। लेकिन मैंने उनकी इल्मियत से, मौलाना आज़ाद के दीनी इल्म से, डॉक्टर इकबाल के दीनी इल्म और मारिफ से इतना फ़ायदा उठाया है कि मैं समझता हूँ कि कोई दूसरा शख्स उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकता। जी हाँ, बेशक इसी से मैं ये इस मकाम बात पे पहुँची हूँ कि आप माशाल्लाह रोज़े अव्वल से लेके अब तक उसी तंदही से जान पहचानी से काम कर रहे हैं। यानी जितनी दफ़ा भी मैं आपके घर गई मैंने यही देखा कि आप तहकीक काम में मसरूफ़ हैं। तो इसकी क्या राज है आपका कि इस कदर जान पहचानी से और इस कदर तंदही से काम? आप अल्लाह की रहमत है, मैं समझता हूँ कि जो शख्स काम नहीं करता हकीकत में वो अपना फ़र्ज जो है इंसानियत का अदा नहीं करता। मेरा अपना तरीका यही है कि जब से मैं इन कामों में मसरूफ़ हुआ हूँ, एक बाकायदा मेथड, एक तरीका, एक उसलूब, एक इख्तियार कर लिया। मसलन सुबह उठना, ये 3-3.5 बजे मेरा मामूल है, और उसके बाद मैं गया 9-9.5 बजे करीब सो जाता हूँ ताकि किसी किस्म का खलल मुझे ना हो, और इसमें बाकायदा वही चीज़ चलती है और उसी तरह मैं चलाता हूँ। उसी तरह सुबह से उसी वक्त जब वापस आता हूँ, सैर पर भी दिन उठता था, नहाता था, नमाज पढ़ता था, सैर करने के लिए चला जाता था, वापस आता था और काम शुरू कर देता था। 12 बजे तक 1 बजे तक काम किया, फिर खाना खाकर सो गया, थोड़ी देर के लिए उठा, फिर काम शुरू कर दिया। बाकायदगी काम की जो है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने मुझ नाचीज हस्ती से इतना काम लिया कि शायद दूसरा शख्स देखे तो हैरान रह जाए। मेरे साहब एक आम सवाल है कि क्या घरेलू जिंदगी और घरेलू जिम्मेदारियां, माशाल्लाह आपके बच्चे और घर बार सब चीजें, ये हारिश तो नहीं हुई आप? ये हारिश इस माने में आप कर सकते हैं कि फलां चीज फलां मामले पर जितनी तवज्जो करनी चाहिए थी नहीं की गई, ये मैं नहीं कह सकता कि उसके लिए हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन ये कि जो कुछ उसके लिए वाजिब है वो मैंने अपने जात की हद तक पूरा करने की कोशिश की और उसमें कोई कोताही नहीं हुई। मसलन ये ख्याल आपको क्यों आया कि जितनी तवज्जो देनी चाहिए थी नहीं दी जा सकी? यानी आपको ये ख्याल तो नहीं कि आपने अपनी औलाद को जिस तरह जिस नहज पे जिस तरह तरीके से आपने इल्म हासिल किया उस तरीके से दिलाना चाहते थे वो नहीं हासिल कर? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कोई खास तरीके से मैंने इल्म हासिल किया। मुझे ज़ौक था, मैं मेहनत का आदी था, लेकिन मैंने देखा कि मेरी औलाद में से चंद के सिवा कोई मेहनत का आदी नहीं है। वो तो चाहते हैं नक्शे कदम पे कोई नहीं चल ये कहिए अब ये वाल मैं अपने वालदैन के नक्शे कदम पर उतना नहीं चला जितना कि अब ये मेरे बच्चों को मेरे नक्शे कदम पर चलना चाहिए। आरज़ू यही थी इसलिए कि मेरा नक्शे कदम गलत नहीं था, लेकिन ये कि उन्होंने जो कुछ अपने जहन में सोचा वो अच्छा था और किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, दीन के लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता। अच्छा, आजकल आप क्या किस चीज पर तहकीक कर रहे? बस वही चीज है कि मैं सीरत मुरतब कर चुका हूँ और वो अल्लाह की रहमत से प्रेस में है, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके मुतल्लिक सिर्फ दो चीज़ें मैं पेश करना चाहता हूँ। वो सीरत जो है वो असलन
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरहूम के लिखे हुए मज़ामीन पर मबनी है। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और अल बलाग के दौर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं पर बाज़ शख्सों के सवालात की बिना पर या बतौर खुद बहुत सी चीज़ें लिखी थी। मैंने वो सारी जमा कराई तो मालूम हुआ कि सीरत का एक अच्छा खासा हिस्सा इन मज़ामीन में आ गया है। उनको जमा करके देखा लेकिन उसमें उनमें गैप्स यानी खला थे। मैंने कोशिश की कि वो खला कोई बेहतर आदमी मुझसे बेहतर आदमी पूरा कर सके, वो ना हो सका। फिर मैंने खुद कोशिश की और वो खला जो थे पूरा किए। इस तरह अब वो किताब तकरीबन निसफ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मकालात और निसफ है मेरी लिखी हुई तहरीरें। वो मुरतब हो के तो अब अल्लाह के फज़ल से प्रेस में पहुँची हुई है। नक्शे सिर्फ बाकी हैं, मैं समझता हूँ चंद रोज़ में छप जाएगी। उसकी दो खसूसियतें मैं ख़ास तौर पर अर्ज़ करना चाहता हूँ। जी हाँ, यही मैं पूछना चाहती थी कि सीरतुन नबी पे आपने किस मौजू से और किस नुक्ते नज़र से किताब को। दो खसूसियतें मैं उसमें अर्ज करना चाहता हूँ। नंबर एक, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक इस दुनिया में जितने भी दीन आए इस्लाम से पेशतर, वो या कौमी थे या नस्ली, इससे ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं थी, बल्कि इनसे तंग तर हैसियत उनकी थी। और वो उन्हीं चीजों पर जमे रहे, अब तक भी मौजूद हैं। मैं मिसालें पेश कर सकता हूं लेकिन गालिबन ये मुनासिब नहीं है कि मिसालें दूं। इस्लाम अकेला दीन है जो आलमी आफाकी नुक्ता निगाह लेकर आया, आम इंसानियत तो उसके पेश नजर थी। और वही शय है जिसने इस्लाम में ये खसूसियत पैदा की कि वो नस्ल के भी खिलाफ है, रंग के भी खिलाफ है और हर किस्म की चीज जो है उसके खिलाफ है। सिर्फ इंसान की पेश नजर रखता है, इसके सिवा कोई चीज उसके पेश नजर नहीं। आप जानते हैं कि इस्लाम जहां अपने पैरवों से इस अमर का मुतकाजी है कि उनकी अखलाकी असलाह हो, वहां इस्लाम हर मुसलमान पर एक अहम फर्ज भी आयद करता है। और वो ये कि ये जो हमारे गिरदो पेश कौमी नस्ली या इससे भी छोटे छोटे नुक्ता निगाह नुक्ता है निगाह की बिना पर दीन लेकर बैठे हुए हैं, इनमें इंसानियत का जौहर पैदा करे, इनके नुक्ता निगाह में को साफ करके इंसानियत की तरफ लाए। इस्लाम का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि ये इंसानियत का नुक्ता निगाह उनके दिल में उनको तुखबरेजी करे और आहिस्ता आहिस्ता परवरिश करता करता उनको इंसानियत के आम सतह पर ले आए। अगर तब तक ये ना हो उस वक्त तक इस्लाम जो पूरी दुनिया को हर हाल में मुनज़्ज़म और मुत्तहिद कर सकता है वो अपना फ़र्ज वजीफा अदा नहीं कर सकता। ये हमारी कोताही है। मैंने कोशिश की है कि सीरत इस तरीके पर लिखी जाए जिसमें ये नुक्ता 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 निगाह उभर कर आ जाए कि वो इस्लाम अवामी आफाकी नुक्ता निगाह का हामी है और उसी नुक्ता निगाह को की तरबियत करना चाहता है। इसके सिवा जो भी तरबियत होगी वो गलत होगी, इसलिए कि इंसानों में तफरका पैदा करेगी, खूरेजी पैदा करेगी। और मौजूदा हालात में जिन छोटी छोटी बातों पर ये सब कुछ हो चुका है वो आपके सामने है। एक चीज़ और, सूरह अंबिया में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब फरमाया गया है मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, नहीं भेजा गया आपको मगर इंसानों के लिए रहमत बना, जहानों के लिए रहमत बनाकर। अब ये रहमत बनाकर भेजना जो है उसको अगर आप अच्छे तरीके से पेश नज़र रखें तो आप पर वाज़े हो जाएगा कि इस्लाम रहमत आलम, सबसे बड़ी रहमत आलम जो लेकर आया है वो यही है। उसने किसी के खूरे किसी की खूरे जी किसी की हुकूक की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की, पूरी इंसानियत को वो इकट्ठा आगे बढ़ाना चाहता है और इसी को लेकर चलता है। लेकिन आप देखें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल हुजूर ने हिजरत के ज़माने मदीने में गुजारे, इस 10 साल की मुद्दत में 9 साल थे जिनमें जंगें हुई। उन जंगों की पूरी कैफियत मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता लेकिन आप हैरान होंगे कि इस 9 साल में जो जंगें हुई और जो कुछ उनके नुकसान जानी नुकसान किताबों में मरकूम हैं, मैंने जमा किए तो उसमें यह हुआ कि इस 9 साल की मुद्दत में 243 मुसलमान शहीद हुए, जानी नुकसान मुसलमानों को 243 9 साल में, और
मुखालफीन का नुकसान जानी नुकसान 462, दोनों को नुकसान मिला जाए 705 होता है। आप इस 705 के नुकसान को तिगुना कर लें, 3000 बना लें, लेकिन 9 साल में 3000 के जानी नुकसान के बाद इतनी बड़ी अजीम शान उम्मत पैदा कर देना, जैसी उम्मत उसके बाद या उससे बेशतर सूरज चांद और तारों ने कभी देखी नहीं है। ऐसे हक नेक निहाद, ऐसे हक शनास, ऐसे नेक किरदार, ऐसे खुश औसाफ, ऐसे इंसानियत के खिदमतगुजार पैदा नहीं आज तक हुए। लेकिन उसके मुकाबले में आप दूसरी चीजों को देखें कि फर्ज कीजिए कि मैं 30 साल जंग जो जर्मनी यूरोप में हुई, ख्याल है इस पे किताब अब आपकी मुरतब हो चुकी नहीं। है 800 सफे की किताब है और इसके बाद अब आप नई किताबों की तरफ मुल्तफित होंगे। खवातीनों हजरात, मौलाना गुलाम रसूल मेहर तो वो गंजे गरम आया, बल्कि गंजाए गरम आया है कि जिनसे जितना फैज़ हासिल किया जाए कम है, लेकिन वक्त हमारा साथ नहीं देता और हम मुलाकात को आखिरी इख्तिताम पर पहुँचाते हैं। खुदा हाफिज़।